इसी बीच आपको बताएं कि वाराणसी में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के तहत तिरंगों से सजा वाराणसी एयरपोर्ट, ये खबर मिल रही है। एयरपोर्ट पर शहनाई बज रही है और ये आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है वाराणसी एयरपोर्ट। CISF के घेरे में वाराणसी एयरपोर्ट है और यहाँ पर अमृत महोत्सव के तहत एयरपोर्ट पर शहनाई बज रही है। आकर्षक तरीके से सजाया गया है एयरपोर्ट को और कैसी तस्वीरें हैं इसको देखने के लिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का, जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं, हमें तस्वीरें दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। जी नीतीश, तनता इस वक्त मैं बाबतपुर एयरपोर्ट के भीतर मौजूद हूं और आप देखिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और अमृत महोत्सव के तहत पूरे एयरपोर्ट को तिरंगे के रंग में रंगा गया है। हर ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अगर बात करें तो एयरपोर्ट के मुख्य द्वार से लेकर एयरपोर्ट के भीतर आने तक हर ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, CISF के घेरे में तब्दील है वाराणसी एयरपोर्ट और इसके साथ ही जो सजावट है वो लोगों को खास तौर पर आकर्षित कर रही है। और सिर्फ सजावट ही नहीं बल्कि बनारस कहा जाता है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां का ये शहर है और ये शहर शहनाई को किस तरह से महसूस करता है, किस तरह से जीता है, इसको एक उदाहरण के तौर पर दिखाने का प्रयास है। और आप देखें यहाँ पर शहनाई का वादन किया जा रहा है और ये आकर्षण एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों को खास तौर पे आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग एयरपोर्ट पे शहनाई बजा रहे हैं किस उपलक्ष्य में, क्या है? ये अमृत उत्सव है, 75 वर्ष हो गए हैं उसके, उस जो भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं पैसेंजर जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए उनकी मंगल धुन कौन सी है? ये वंदे मातरम धुन है जी, रात देश में। तो कैसे आप लोग कैसे बजा रहे हैं वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये वंदे मातरम की शहनाई और बज रही है। और स्नेहलता ये देखिए, ये काशी कहते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने शहनाई के माध्यम से इसको एक जी वंदे मातरम की धुन पूरे एयरपोर्ट परिसर में गुंजायमान हो रही है। हमारे साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर भी मौजूद हैं। किस तरह की तैयारी, कितनी खास तैयारी? ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है और 75वां जो वर्षगांठ का प्रारंभ में जा रहा है उसके लिए हम देश की वंदना शहनाई के द्वारा कर रहे हैं। कल जो है हमारे यहाँ पे भरतनाट्यम के माध्यम से देश का वंदना किया जाएगा और हमारे यहाँ पे सितार वादन के द्वारा भी किया जाएगा। वाराणसी जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है भारत भूमि की, तो यहाँ संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति और देश का वंदना दोनों प्रदर्शित यात्रियों के लिए की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था कितनी? सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता होगा, 100% जो है यात्री को सुरक्षा संरक्षा दोनों मिल जाएगी। हम आपको सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, पूरा एयरपोर्ट यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, हर ओर तिरंगे लगाए गए हैं। आप देखिए, अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इसके एयरपोर्ट के अगर आगे बढ़ें तो किस तरह से पूरे एयरपोर्ट परिसर में किस तरह से तिरंगे का माहौल है, किस तरह से तिरंगा हर ओर लहराता हुआ, और जहाँ पर तिरंगा बन रहा है वहाँ पर भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन यहाँ पर अंदर की जो सजावट है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जहाँ पे यात्री आ रहे हैं वहाँ पर कितनी भव्य और कि जो सजावट है लोगों को कितना आकर्षित कर रही है और लोग क्या इस बारे में सोच रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो परिसर है ये एंट्री परिसर है, आप देखिए यहाँ से निकलने के लिए जो लोग भी पीछे से निकलते हैं वो हैं, और यहाँ पर जो सजावट की गई है वो खास तौर पे इस पूरे स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रख कर की गई है। हर ओर आपको
विशेष तरह की सजावट दिखाई देगी। यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये काशी का दर्शन एक तरह से कहें तो यहाँ पर जिस तरह से काशी को दिखाने की एक बात है, वो यहाँ पर इस जो आकृति बनाई गई है इसके माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। और पूरे परिसर को कहा जाए कि पूरा एयरपोर्ट परिसर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, रंगोली बनाई गई है। और इसके साथ ही आप देखें ये देखिए, ये बनावट देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से तिरंगे के रंग में रंगी हुई ये रंगोली जो 75 अमृत महोत्सव को दर्शाती हुई। और इसके साथ ये देखिए सारनाथ का दृश्य, घाट का, बाबा विश्वनाथ का और ये अशोक स्तंभ पूरी तरह से एयरपोर्ट परिसर पर ये लगा हुआ है। और जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनके आकर्षण का केंद्र बन रहा है ये पूरा जो साज सज्जा का कार्य है, वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो पूरा एयरपोर्ट परिसर सुरक्षा के घेरे में तब्दील है, हर ओर आपको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। इसके साथ ही इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच तिरंगे को कहीं ना कहीं लोग महसूस कर रहे हैं, पूरा एयरपोर्ट परिसर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है नीतीश, लेकिन जो शहनाई की धुन सुनने को मिली वो खास और खास सिर्फ वहीं सुनने को मिल सकती है जो सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे कहा जाता है। और जो धुन निकल के आ रही है वो बेहद खास है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं तमाम प्रबंधन से जुड़े लोग। आपका शुक्रिया नीतीश।